Coming to the question, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉय प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में. ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में, कोई भी एक कॉटेज इंडस्ट्री है. सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, जितना वो टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में उससे जस्ट 55 रुपीस कम एक टॉय का कॉस्ट होता है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का 55 रुपीस कम होता है जितना नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस किया जाता है, एक दिन में बनाया जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, थर्ड कंडीशन, किसी भी एक पार्टिकुलर डे, कोई भी एक डे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है, किसी भी एक पार्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहा है टॉय का वो कितना हुआ, 750 रुपीस हुआ. ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, एक इक्वेशन जनरेट करना है, जाहिर सी बात है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है, जिससे हमें नंबर ऑफ टॉयज उस डे को कितना प्रोड्यूस किया गया था वो मालूम कर सके. तो सबसे पहले हमारा अजम्पशन क्या होगा, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एक टॉय का जो कॉस्ट है वो 55 रुपीस कम है जितना टॉय प्रोड्यूस किया जा रहा है एक दिन में, तो यहां पे हो जाएगा देयर देन, यहां पे क्या लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ वन टॉय वो कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स. करेक्ट, एक टॉय का कॉस्ट क्या हो जाएगा, जितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में उससे 55 कम, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ वन टॉय. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो रहा है, ₹750. टोटल प्रोडक्शन ऑफ जो हो रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना हो रहा है, 750 इन दोनों के प्रोडक्ट से. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750. दिस इंप्लाइज x इंटू 55 ये हो जाएगा आपका 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750. अगर हम लोग इसको फर्दर नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन या जनरल रिप्रेजेंटेशन में अगर लिखे तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यूज को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ताकि ये माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए. तो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 55x और ये हो जाएगा 750 प्लस 750 इज इक्वल टू 0. तो ये जो इक्वेशन आया हमारा, अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करो तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री कितना है इस इक्वेशन का, 2. मीन्स जाहिर सी बात है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेफर कर रहा है. तो ये जो इक्वेशन आया हमारा ये सेटिस्फाई कर जाएगा कि कितना नंबर ऑफ टॉयज, कितना टॉयज प्रोड्यूस हुआ था उस दिन. ठीक है.